उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो भगदड़ मची, 123 लोगों की जान उस भगदड़ ने ले ली, लेकिन सवाल ये कि इस भगदड़ के लिए दोषी है कौन। अलग अलग लोग हैं जो अभी जांच के शिकंजे में हैं और गिरफ्त में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा, उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी। मीडिया में आकर बयान दे दिया लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। हाथरस मामले को लेकर अपडेट आप जानिए। मधुकर प्रकाश को रिमांड पर लेकर यूपी पुलिस पूछताछ करने की तैयारी अब कर रही है। मधुकर प्रकाश के जो मददगार हैं उनको लेकर भी कई सवाल अब उठ रहे हैं। पहले 6 सेवादार पकड़े गए, फिर एक मधुकर प्रकाश जो की मुख्य आयोजन करता था उसे भी पकड़ लिया गया, हाथरस में मौजूद है। अभी न्यायिक आयोग की टीम भी, कई गांव वाले हैं जिनके बयान दर्ज किए गए हैं, साथ ही साथ वो लोग भी जो कि इस आयोजन में गए थे, सत्संग में गए थे, सत्संग को सुनने के लिए, बाबा के प्रवचन सुनने के लिए, और अपनों को खो दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो खबर आपको, जिसमें आप ये जानेंगे कि जिन्होंने अपनों को खो दिया है वो लोग भी ये कह रहे हैं कि बाबा जो है वो सृष्टि के विधाता है, बाबा भगवान है। अब ऐसी अंधभक्ति इन सभी भक्तों के सर पर सवार है। इन सबके बीच ही सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा जो कि अंडरग्राउंड चल रहा है वो पुलिस के सामने नहीं आना चाहता, लेकिन हाँ बयान दर्ज करके ये जरूर कह दिया, वो भी एक पेपर पर लिखा हुआ बयान, खुद बोला नहीं गया। जो बाबा प्रवचन देता है, जिसके प्रवचन सुनने के लिए अलग अलग राज्यों से लाखों लोग इकट्ठा हुए, वो चार लाइन भी उन लोगों के लिए बोल नहीं पाया जिन्होंने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी। वो एक पेपर पर लिखा हुआ भाषण जैसा पढ़ता है। वो कहता है लोगों की मौत पर मुझे दुख है, मैं पीड़ित परिवारों के साथ में हूँ। वो कहता है शासन प्रशासन पर भरोसा रखें, लेकिन सवाल ये कि अगर भरोसा खुद को है तो फिर क्यों पुलिस की गिरफ्त से बाहर, या फिर क्यों अंडरग्राउंड बाबा चल रहा है। भगदड़ में 123 लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन, ये जांच लगातार पुलिस की टीम भी कर रही है और साथ ही साथ न्यायिक आयोग की टीम जो कि पहुंची हुई है हाथरस, पीड़ित परिवारों से बात कर रही है। भगदड़ पर बाबा के वकील जो है वो भी बड़ा दावा कर रहे हैं, भोले बाबा को बदनाम करने की साजिश है ये वकीलों का कहना है। और आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, सिर्फ वकील ने ऐसा नहीं कहा बल्कि जो भक्त अभी मैनपुरी आश्रम के बाहर मौजूद हैं उनके जरिए भी ऐसा कहा गया है। अब साथ ही साथ वकील ये भी कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत से लोगों की मौत हो गई, जहरीला स्प्रे छिड़कने से लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी हैरान करने वाली बातें हैं जो वकील के जरिए की गई हैं। वो कह रहे हैं सांस लेने में दिक्कत हुई, जहरीला स्प्रे यहाँ पर छिड़क दिया गया जिससे लोगों को दिक्कत होने लगी। सवाल बहुत बड़ा ये, किसके जरिए हुई साजिश अगर ये दावा किया जा रहा है, कौन था वो जिसके जरिए जहरीला स्प्रे छिड़क दिया गया और लोगों को सांस लेने में दिक्कत आई। जबकि चश्मदीद ये कह रहे हैं कि बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए लोग दौड़े, उसी दौड़ने में एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। एक शख्स के ऊपर अगर 10 से 12 लोग गिर जाएंगे, अंदाजा आप लगाइए, जो सबसे नीचे दबा है उसे सांस तक नहीं आएगा। ऐसे ही सांस घुटने की वजह से इन लोगों की जान चली गई। लेकिन वकील जो कि डिफेंड करने का दावा और बाबा को बचाने की कोशिश यहां बाबा का वकील करता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके साथ ही सवाल बहुत से हैं, जहरीला स्प्रे जो छिड़कने की बात सामने आ रही है वकील के जरिए, वो जहरीला स्प्रे आया कैसे, कौन है बाबा का दुश्मन जिसके जरिए ये साजिश हो सकती है, ये भी वकील को बताना होगा अगर वाकई बाबा निर्दोष है तो। हादसे को लेकर अब अलग अलग तरह की जांच बढ़ रही है आगे। हाथरस हादसे का स्प्रे कनेक्शन आखिर है क्या, ये समझिए। भोले बाबा के वकील अब दावा कर रहे हैं भोले बाबा को निर्दोष साबित करने के लिए, कह रहे हैं भोले बाबा को बदनाम करने की साजिश यहां पर रची गई है, अपने हाथ में जहरीला स्प्रे लेकर आए थे कुछ साजिशकर्ता जिनके जरिए इस पूरे आयोजन में साजिश रची गई है और उन्हीं के जरिए यहां पर बाबा को बदनाम करने के लिए जहरीला स्प्रे यहां पर छिड़क दिया गया जिसके बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और उसके बाद लोग जमीन पर गिरने लगे। अब सवाल ये कि इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी गवाही भी सामने आ गई है, न्यायिक कमेटी में 17 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं जिनमें की अफसर भी मौजूद हैं। कमेटी के सामने चश्मदीदों ने खुलासा किया है कि चरणों की धूल लेने के लिए लोग भागे और इसी भागने के दौरान मच गई भगदड़। ऐसे में सवाल यह भी कि क्या बाबा साकार हरि से भी पूछताछ होगी क्या। ये जो जांच की कड़ियां हैं ये अलग अलग लोगों से तो जुड़ रही हैं, लेकिन मेनली जो बाबा आयोजन कर रहा था, वहां प्रवचन दे रहा था, उस बाबा पर शिकंजा कभी कसेगा क्या, क्योंकि बाबा जो मीडिया में आकर बयान दे गया, बाबा जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, मैनपुरी आश्रम के बाहर पुलिस का पहरा जरूर है लेकिन अभी पुलिस बाबा के आश्रम के अंदर तक दाखिल नहीं हो पाई है। सवाल बहुत से ऐसे ही खड़े हो रहे हैं। भोले बाबा पर पड़ताल करते हुए इंडिया न्यूज संवाददाता जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हाथरस में भी, अलीगढ़ में भी, वहां कुछ भक्तों से उन्होंने बात की। ये वही लोग हैं जो सत्संग के दौरान पंडाल में मौजूद थे,
एक भक्त ने बताया कि हाथरस में जो कुछ हुआ उसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, लोगों ने अपनी मर्जी से बाबा को दान दिया, बाबा की एक आवाज सुनकर भूत तक भाग जाते हैं। ये बातें सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, सुनिए। साकार हरि के आश्रम के ठीक बाहर हम मौजूद हैं, श्रद्धालु सेवादार एक के बाद एक यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल है। निर्मल जी, बाबा अंदर हैं क्या? हाँ, अंदर मौजूद है बाबा। जी हाँ। इतनी सारी बातें हो रही है हाथरस में, लोग कह रहे हैं बाबा 72 घंटे के बाद बाहर निकले, 72 घंटे के बाद बाबा ने बोला, पहले क्यों नहीं बाबा ने बोला? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ, कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वहाँ थी मैं जहाँ हो रहा था। हाथरस में थी? हाँ, हाथरस में थी। क्या हुआ था वहाँ? वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, उसी में दो चार लोग ऐसे आए जिन्होंने ऐसे धक्का दिया, और धक्का देने मैं भी थी, मैं सूट पहने थी, मैं निकल के बाहर खड़ी हो गई। वर्दी में थी? नहीं, वर्दी में थे लेकिन हम चेंज कर चुके थे वर्दी, घर आ रहे थे। आपको वॉलंटियर की तरह लगाया गया? जी हाँ। क्या हुआ था, क्यों ऐसा, इतनी बड़ी भगदड़, 121 लोग? अब ये सोचे समझे साजिश, 5-6 लोग थे जिन्होंने ऐसे धक्का दिया, और जो मरे हैं जो लोग वो एजेड लोग मरे हैं, वो उठ नहीं पाए। मैं तो सूट पहने थे, मैं निकल के बाहर खड़ी हुई, मैं वर्दी चेंज कर चुकी थी। तो क्या, कौन साजिश कर रहा है? अब कुछ भी हो, वहाँ गांव के हों या कहीं और के हों, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ। कब से जुड़ी हुई हैं आप? मैं 2012 से जुड़ी हुई। उससे पहले भी कोई ऐसी कभी साजिश कोई लगता था? बाबा कभी कहते थे क्या साजिश कोई कर रहा है हमारे खिलाफ कोई? नहीं भैया, ऐसा कुछ मुझे नहीं मालूम हुआ। बाबा चमत्कार भी करते हैं, लोग बताते हैं, आपने देखा है चमत्कार? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बाबा चमत्कार नहीं करते? ऐसा कुछ भी नहीं देखा मैंने। अच्छा, बाबा कहते हैं मैं बीमारी ठीक कर देता हूँ, मैं परेशानी ठीक कर देता हूँ? वो अपने आप ठीक होता है, आके यहाँ नमन करो, और नमन करने से हाथ जोड़ो, और ना तो उनकी रस धूल मिलती ना चरण, यही नमन करने से मेरी बीमारी ठीक हुई है। मुझे भी बीमारी थी। अच्छा, क्या हुआ? मुझे लेटिन आया करती थी, और मैं एक बार यहाँ आई तो मैं पांडाल में जैसे बैठी और बैठ के नमन की प्रार्थना वंदना करी, तुरंत मुझे लेटिन ऐसा पेट खड़बड़ाया, मैं भाग के बाहर गई। उस दिन से आज तक मैं कंकड़ पत्थर कुछ भी खा लूँ मुझे सब हजम हो जाता, और मैं ठीक हूँ आराम। बाबा की कृपा है? जी हाँ, बाबा की बहुत बड़ी रहमत है मेरे पे। आप बता रहे थे कि बाबा चश्मा हटा दें तो आँखों से आँखें उनके कोई नहीं मिला सकता। हकीकत है ये कि उनकी दृष्टि इतनी है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, अगर हटा दें चश्मा तो लोग बेहोश हो जाएं। ये सब बातें हो रही हैं, बाबा बाहर निकलकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं नॉर्मल? बाबा नहीं है, वो नारायण साकार हरि हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है जो आके सबसे बात कर दें। उनकी रहमत ऐसी है कि परमात्मा आप ही जान सकते, मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ नाथ। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और ये इतनी सारी बातें हो रही है कि बाबा 72 घंटे तक बाहर नहीं आए, इन सब पे क्या कहें? मैं क्या कहूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो तो चले आए थे, अब बाद में हम ही आ रहे हैं, और अगर सड़क पे हादसा हो जाए तो उनकी गलती है, उनके लिए आई हूँ घर से, लेकिन अगर मैं मर जाऊँ तो क्या उनकी गलती थोड़ी, नहीं मेरी गलती है, मेरा समय है, मैं मर जाऊंगी। अच्छा, उन लोगों का समय आ गया। अब कुछ भी हो ये तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जन्म मृत्यु का समय होता है ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन लोगों ने धक्का मारा, ये आप बता रही हैं? हाँ, ये देखा है मैंने, धक्का मारते हुए ऐसे करते हुए ऐसे निकलते चले जा रहे थे। कौन लोग थे वो लोग, क्या वर्दी में थे? नहीं, वो हाफ लोवर पहने थे और बनियान पहने थे। अच्छा, टी शर्ट भी आए थे सत्संग सुनने? नहीं बता सकती मैं। अच्छा। मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या लग रहा है आपको, बाबा बाहर निकलेंगे बात करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो हर चीज आपको, आप यही स्मरण करो उनको, आपको सब कुछ अपना ही दिल बोलेगा।